Hello everyone, I am Milan Joshi from Little Angel Senior Secondary School, Ganoda. जैसा कि अपन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारे दो चैप्टर हम कर चुके हैं ज्योग्राफी के, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9। लेकिन वर्तमान समस्या को देखते हुए जो COVID-19 है, महामारी, जिसके कारण हम आगे हमारी क्लासेस संचालित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम जो है वो आज आपके सामने ऑनलाइन रूबरू हो रहे हैं क्लासेस के रूप में, जिसमें हम हमारे अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा, ज्योग्राफी के दो चैप्टर जो है उसको हमने ऑफलाइन पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 1 वाटर रिसोर्सेज एंड चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। इन दोनों चैप्टर्स के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हमारा अगला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। व्हाट इज मिनरल रिसोर्सेज? मिनरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ड्राइव्ड बाय माइनिंग प्रोसेस from earth that are useful for society are known as mineral resources. Mineral resources वे हैं जिनके भौतिक एवं रासायनिक metals होते हैं, जिसको mining process के द्वारा अर्थ से निकाला जाता है और हमारे समाज के लिए जो कि उपयोगी होते हैं। Mineral physical and organic factors are the main contributor in the formation of such types of mineral resources. Mineral resources are divided in two parts. Organic and non-organic. Organic resources are examples of organic resources, coal and petroleum, and non-organic are iron and manganese. India, as we all know that India is rich in the minerals, 96% of minerals are situated in minerals areas are situated in Himalayan regions, peninsular plateaus, south coastal areas, Brahmaputra valleys. These are the main areas where we found minerals in India. Minerals are classified as their accordance of physical and chemical properties. It is divided into two parts: metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals are those minerals which contains metal. Metallic minerals are also divided into two parts: ferrous minerals and non-ferrous minerals. Ferrous minerals are those minerals which have price. Minerals are classified according to their physical and chemical properties. Minerals are two types: metallic minerals and the non-metallic minerals.
मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन्स आयरन एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स आर मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन्स मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स आर लाइमस्टोन डोलोमाइट माइका एंड जिप्सम. मेटालिक मिनरल्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स. फेरस मिनरल्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं लो खनिज. दीज मिनरल्स हैव द प्राइम ऑफ आयरन एज आयरन ऑर. ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर लोहांश की कम मात्रा होती है, जैसे एग्जांपल्स क्रोमाइट पाइराइट एंड कोबाल्ट. नेक्स्ट वन नॉन फेरस मिनरल्स. दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन. जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर आयरन नहीं होता है उसको हम कहते हैं नॉन फेरस मिनरल्स अथवा खनिज. एग्जांपल्स गोल्ड सिल्वर कॉपर जिंक एंड बॉक्साइट. आवर नेक्स्ट मिनरल इज एनर्जी मिनरल्स. एनर्जी मिनरल्स इज मिनरल्स विच यूज द फॉर हीट एंड एनर्जी. एनर्जी मिनरल आर दोज मिनरल विच इज यूज्ड फॉर हीट एंड एनर्जी. एनर्जी मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स फ्यूल मिनरल्स एंड न्यूक्लियर पावर मिनरल्स. फ्यूल मिनरल्स एज यू ऑल नो दैट वी यूज फ्यूल मिनरल्स इन फ्यूल एज अ फ्यूल लाइक एग्जांपल्स कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. एंड न्यूक्लियर पावर मिनरल्स आर द एग्जांपल्स लाइक यूरेनियम बेरिलियम ईटीसी. इन इंडिया 89 टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड. In which 52 types of non-metallic minerals which are contributes 3.4% in our GDP. Now we are going to talk about the major minerals of India. First one is iron ore. भारत में मिलने वाले खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे. सबसे पहले हैं iron ore. This mineral is known as industrial economy and it is found in igneous rock. After Russia, we have second rank in the production of iron. इस खनिज को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं और रशिया के बाद अगर हम देखें उसके बाद तो हमारा विश्व में दूसरा स्थान आता है इसके उत्पादन में.
फाइव टाइप्स ऑफ आयरन ऑर फाउंड, आयरन ऑर हैव फाइव टाइप्स मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सिडेराइट एंड लेटेराइट। लोह खनिज को उसमें उपलब्ध लोहे की मात्रा के आधार पर पांच भागों में डिवाइड किया गया है। इट्स डिवाइडेड इनटू फाइव टाइप्स, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट एंड लेटेराइट। मैग्नेटाइट है 60-70% आयरन एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटाइट इन इंडिया इज 8%। हेमेटाइट कंटेन 70-80% आयरन एंड इट्स प्रोडक्शन इन इंडिया इज 85%। एंड अदर थ्री लाइमोनाइट, सिडेराइट एंड लेटेराइट, इनका जो उत्पादन है वो है 7%। इंडिया है
26% प्रोडक्शन इज डन इन कर्नाटका एंड टोटल आयरन को आर इन 25%। यदि हम कर्नाटक में प्रोडक्शन की बात करें तो 26% जो है वो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, और इसके अगर भंडार की बात करें तो 25% भंडार जो है वो कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक के अंदर प्रमुख मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग एंड शिमोगा। कर्नाटक के अंदर जो प्रमुख जिले हैं जहां से लोहा निकाला जाता है वो है बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और शिमोगा। द प्रोडक्शन ऑफ आयरन विच इज ऑक्यूर्ड फ्रॉम द कर्नाटका आर रिफाइंड इन द भद्रावती एंड विजयनगर। आयरन प्रोड्यूस इन कर्नाटका इज रिफाइंड इन भद्रावती एंड विजयनगर। तो आज हमने जो पढ़ा उसको आपको घर पे रिवाइज करना है, और आगे इसके जो हम पढ़ेंगे उसको भी आपको घर पे रिवाइज करना है। ये आपका एचडब्ल्यू है, इसको अच्छे से लर्न करें, और आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।